हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू ऑल डूइंग वेरी गुड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल का हलवा। सो कम विद मी एंड लेट्स सी इट कि मैं कैसे बना रही हूँ। सो मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ ये हलवा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। और वो ही मेरी है एक्साइटमेंट भी और थोड़ा सा नर्वसनेस कि कैसे बनते। सो लेट्स सी इट कि मैं कैसे बना रही हूँ। दाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था, तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ दूध डाल के इसको मैं बॉईल करूँगी। बस इतना सा दूध डाला है और इसको मैं बॉईल करूँगी। मैंने दूध डाल दिया थोड़ा और दूध डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिए और अब ये बॉईल हो 80% तक चने की दाल बॉईल होगी। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ऑलमोस्ट दाल बॉईल हो गई है, बस ये जितना दूध है ये भी हो जाए जाए सूख जाए, तो उसके बाद मैं इसको ठंडा करके ग्राइंड करना शुरू करूँगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत मज़े का बनता है हलवा, नो डाउट इट्स वर्थ इट। ये चने की दाल बॉईल हो गई है, अब इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे ग्राइंड होने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद और इसमें दूध भी डालेंगे, वो भी दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा पिस्ते दरदरा सा, फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। बनाने का टाइम आया तो उसके लिए मैं पहले डाल रही हूँ देसी घी, और ये मेरा होममेड देसी घी है जो मैंने खुद बनाया तो ख़त्म हो गया, बस इतना सा रहेगा। अच्छा, तो इसमें अब मैं डालूँगी ये 3-4 इलायची, एक और इलायची डालने लगे हैं। इसको हम अच्छे से करका देंगे, उसके बाद इसमें हम लोग जो हमने ग्राइंड करके बैटर बनाया है चने की दाल का वो डालेंगे। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह, और ये जैसे जैसे बनता जाएगा तो वो और ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और अब इसमें मैं चीनी डालने लगी हूँ, और साथ साथ आप लोग घी भी डाल सकते हैं अगर आप लोग को लगे कि ये नीचे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें और घी डालना पड़ेगा जो मैंने अभी भी डाला है। अब आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, पहले वाइट सा था, ये देखें थोड़ा कुछ ब्राउनिश टाइप का हो गया। तो जब भी आप लोग भूनेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा भूनना है, क्योंकि इसका कलर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भूनते रहना। और ये अभी भी ऑन प्रोसेस है, अभी भी मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जब तक ये अच्छे से भुनाएगा नहीं इसका टेस्ट नहीं आएगा। और ये जो कढ़ाई लगी हुई है तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये तो होगा होगा इसका, ये इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन आप लोग कलर देख सकते हैं, कलर कितना प्यारा आ रहा है। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल, तो मैं इसको परात में असेंबल कर रही हूँ। परात में असेंबल करने के बाद इस पे हम लोग ऑलमंड्स डालेंगे, तो पहले हम लोग इसको अच्छे से इसमें कट देंगे। अब इसकी अच्छी सी कटिंग भी हम कर सकते हैं जो मैं करके दिखाऊंगी अगर मैं इसे हो गई, क्योंकि इतनी मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कुकिंग के मामले में, कभी कभी करने वाली हूँ, मैं यूट्यूब पे डिपेंड है। तो पहले तो ये मैं अच्छे से कर लूँ, तो इट्स टाइम टू कट द ऑलमंड्स। तो मैं अब जल्दी से ऑलमंड्स कट करूँगी कि जल्दी से हम लोग हलवे पे डेकोरेट कर सकें। ऑलमंड्स जो है वो कट डाउन कर लिए हैं, अब वो इसको इसमें मैं लगाऊंगी हलवे पे। तो लेट्स सी इट, हलवे को मैंने आगे कर लिया कि सही से फोकस हो, वो दोनों भी हो चले जी। और हलवे पे बहुत अच्छे से हमने ये डेकोरेट करना है, भर भर के लगाना है कि कहीं से भी कंजूसी वाली वाइब्स ना आए, बहुत अच्छे से हो, क्योंकि हलवे पे बादाम ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छे से डेकोरेट कर लिया ये हमने, ओए होए तो खाने का मज़ा आ जाएगा यार।
नो डाउट मैं चखा था तो बहुत मज़े का बना है हलवा भी। और अब ऑलमंड्स डाल दिए तो और ज़्यादा मज़े का होगा जाएगा। ऑनेस्टली नॉट अ बिग फैन ऑफ हलवास, लेकिन अब बनाया तो बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा भी अच्छा भी मज़े का भी। तो मैं खाऊंगी। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कितनी अम्मा से लोग खाए, इट्स लुकिंग सो क्यूट, ओह माय गॉड। अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रेस कर देंगे कि अंदर को हो जाए, फिक्स आउट हो जाए। ओके इट्स इसको डेकोरेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैंने बताया था। तो कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे थोड़े से रेक्टेंगुलर टाइप की करूँगी कि निकाल के खाया जाए। कतली टाइप का होता है ना, कतली जो होती काजू की, उस शेप की मैं दूंगी इसको रेक्टेंगुलर में। Okay, जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड बाय बाय।